क्वेश्चन नंबर 16, काल प्रिज्म का अशुद्ध गुणांक क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, जे ज्ञात करना है। तो यह सबसे बड़ी फिक्र दे रखी है, अब जे आराम जेड आराम से ज्ञात कर सकते हो, तो जेड से करो। पहले बनाएंगे हम वर्ग, क्योंकि यहाँ क्या दे रखी है, सेंटर साइज दे रखी है, तो एक्स है ये, लेकिन ये सेंटर साइज पे एक्स है। क्या करते पहले ग्रुप बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे ग्रुप, तो अंतर के सेकंड है, सेकंड का कितना होता है तीन, तीन घटाओ और तीन जोड़ो, इधर घटाना इधर जोड़ना है, तो क्या होगा देखो, जैसे लिख सकते हो 12 माइनस 6 बटा 2 बराबर 6 बटा 2, तीन होता है, इधर घटाएंगे इधर जोड़ेंगे और बनाएंगे ग्रुप, तीन से 9, 9 से 15, 15 से 21, छच्चे अंतर है 21, 27, 27 से 33, 33 से 39, 39 से 43, छच्चे का अंतर है, और ऐसा लिखना है कि ये जगह सेंटर में है, 39 45 सेंटर में ही आता है 42। अब हम लेंगे ये तो x, x हमारे पास है ये, एक तो क्या लेंगे हम fx, और ये क्या लेंगे हम fx स्क्वायर। पहले है आपके एफ एक्स ये रहा, एक्स ये रही एफ ये रही, गुणा करो 6 4 24, 12 6 72, 18 × 15 ये दे रखा 270, 74 72, 30 × 10 300, 36 × 8 ये 288, 42 × 7 294। अब एफ एक्स को गुणा करेंगे एक्स से वापस, इन दोनों को गुणा करना, 24 को गुणा करेंगे 6 से, यह आता है 144, 12 को गुणा करेंगे 72 से, ये होता है 864, 18 को गुणा करेंगे 270 से, ये होता है 4860, फिर 24 को गुणा करेंगे 720 से, ये होता है 17280, 30 को गुणा करेंगे 300 से, ये होता है आपके 9000, 36 को गुणा करेंगे 288 से, यह आता है 10368, 42 को गुणा करेंगे किससे 294 से, यह आता है 12348 एम आर सी 54864। अब ये कितना होता है 24 + 270 + 270 + 268 + 294 + 1 + 1 + 2 × I L1 यहाँ पर है, तो बताओ L1 क्या होगा, अगला वाला मतलब 21, डेल्टा 1 ऊपर का अंतर 15, यहाँ लिखेंगे 15 प्लस डेल्टा 2 नीचे वाला अंतर कितना है 20 का, इंटू एच, एच कितना है सब अंतर कितना है 6 का, 15 6 की तो 90, 90 में भाग देंगे 15 और 20 35 का, और उत्तर है इसमें जोड़ देंगे 21, ये आएगा आपके 23.57। अब करेंगे समांतर माध्य, सूत्र क्या है ज्ञात करने का, सिग्मा एफ एक्स बटा एम, तो एफ एक्स कितनी देर का है आपके 1968 बटा एम कितना है 80 टोटल, तो यहाँ 80 का भाग है 1968 भाजक 80, ये होता है आपके 24.6। अब है आपके तीसरा पॉइंट चिन्ह मिशन, तो फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, ये तो दे रखा है आपसे 54864 बटा एन, और जब भी हम एफ एक्स से ज्ञात करते हैं डी एक्स से ज्ञात नहीं करते हैं, तो ये भी लगा सकते हो 24.6 का होल स्क्वायर, 24.6 का होल स्क्वायर या लगाएंगे हम अंदर कितना है आपके 80,
24.6 × 24.6 605.16 54,864 भाजक 80 ये होता है आपके 685.8 माइनस 605.16 बराबर के दबाव अंडरवुड तो हो जाएगा आपके 8.98। अब हम करेंगे जे ज्ञात सूत्र क्या ज्ञात करने का समांतर माध्य माइनस जेड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। समांतर माध्य दे रखा है आपके 24.6 और जेड दे रखा है आपके 23.57 बटा स्टैंडर्ड कितना दे रखा है आपके 8.98। 24.6 माइनस 23.97 भाजक 8.98 0.07 आ रहा है से क्या उससे क्या हो गया −23.57 भाजक 8.98 0.84 वोट बाकी गलती क्या है पूरे क्या